खबर ये कि देश के कई हिस्सों में इस वक्त बारिश का दौर जो है वो जारी है। भारी बारिश कई राज्यों में इस वक्त देखने को मिल रही है। उत्तराखंड से लेकर महाराष्ट्र तक बात करें तो मौसम की मार यहां देखने को मिल रही है। इससे पहले एक एक कर हम आपको खबर बताएं, पहले ये 9 तस्वीर जरा देखिए, कैसे हर जगह कुदरत का प्रकोप जो है देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि राज्य कोई भी हो, भारी बारिश की चपेट में इस वक्त कई इलाके हैं और वहां गर्मी से राहत लोगों को मिलती नजर आ रही है, लेकिन परेशानियां लोगों की बढ़ भी गई हैं। उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, असम, बिहार, गुजरात, मेघालय और अरुणाचल की ये तस्वीरें एक एक कर बताएंगे कहां क्या हालात है। शुरुआत चलिए महाराष्ट्र से करते हैं। महाराष्ट्र के लोनावला से एक बड़ी खबर आ रही है, दुखद खबर, जहां मुशीजान में एक डरावना वीडियो वहां से सामने आया है। दरअसल एक ही परिवार के 5 लोग बह गए हैं, पानी के तेज बहाव में बह गए हैं। एक महिला, 4 बच्चे जो है वो डूब गए हैं। ये देखिए महाराष्ट्र के लोनावला से ये तस्वीर, यहाँ आपको 5 लोग इस डैम में जब नहा रहे थे तो अचानक से पानी का बहाव जो है वो तेज हो गया। और अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, कई बार डैम के बीचों बीच जब आप जाकर फोटो सेशन करवा रहे थे या लुत्फ उठाने के लिए आप जाते तो ऐसे हादसे होते। देखिए पूरा का पूरा परिवार जो है वो यहाँ पर कोशिश यही कर रहा है, ह्यूमन चेन बनाकर एक दूसरे को पकड़े हुए, जोर से पकड़ बहुत मजबूत की वो बह ना जाए। लेकिन यहाँ दुर्घटना घटी, हादसा हुआ, एक महिला, 4 बच्चे इसमें डूब गए हैं, 3 शव अभी तक बरामद किए जा चुके, 2 की तलाश अभी भी जारी है। 5 लोग पुणे के सैयद नगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये लोग पिकनिक मनाने के लिए गए थे, जाहिर सी बात है, देखिए आपको इस वीडियो में नजर आ जाएंगे कि जो टूरिस्ट वहां और गए हैं वो दूसरी छोर पर खड़े हैं, कोशिश की जा रही है लेकिन कैसे उनको बचाएं। और ये परिवार भी पूरी कोशिश कर रहा है, ये परिवार पूरी कोशिश कर रहा है कि एक दूसरे को पकड़ कर रखे। ये देखिए मजबूती कितनी, तेज बहाव देखिए, और यहां परिवार के सभी सदस्य बस भगवान से यही कामना करेंगे कि कोई मदद आ जाए। ये ह्यूमन चेन बना के एक दूसरे को पकड़ा गया है ताकि वो पैर जो है जमा रहे, लेकिन देखिए कोशिश बहुत है, बहुत कोशिश की, बावजूद इसके ये बहाव झेल नहीं पाए, 5ों के 5ों जो है बह गए। और यहां आप देखेंगे तो यहां जो टूरिस्ट पर्यटक खड़े हैं उनमें से किसी ने यह वीडियो बनाया है, देखिए जरा ये तेज बहाव और इसमें बहते जा रहे हैं। इन्होंने सोचा नहीं होगा जब पिकनिक मनाने के लिए आए थे कि ऐसी दुर्घटना इनके साथ घट सकती है। भूसी डैम बताया जा रहा है, बीच डैम में ये मौजूद थे और अचानक से पानी का बहाव जो है वो काफी तेज से आया। यहाँ देखिए कोशिश यही है, जब बहाव तेज है बह रहे हैं तब भी कोशिश यही है एक दूसरे को पकड़े हुए। देखिए छोटी सी बच्ची नजर आएगी, यहाँ परिवार पूरा 5 लोगों का ये परिवार, और कैसे एक दूसरे को, बहुत ही मार्मिक तस्वीर, ऐसा लग रहा है जो वहां पर वीडियो बना रहे थे उन लोगों को भी लग रहा होगा कि काश किसी तरह कोई मदद पहुंच जाए। लेकिन आप पिकनिक मनाने अगर जाते हैं तो ये तस्वीर जरा देखिए, जहन में उतार लीजिए, ऐसे कभी भी खतरा मत बोलिए। बीच डैम में जाकर ये परिवार नहा रहा था, आप लुत्फ उठाने के लिए पहुंचा था, लेकिन देखिए ये परिवार जो है हंसता खेलता परिवार, 5 सदस्य बह गए हैं, 3 शव बरामद किए जा चुके हैं, 2 की तलाश अभी भी जारी है। और अगली जो बड़ी खबर है गुजरात के स्मार्ट सिटी अहमदाबाद से आ रही है, जहां स्मार्ट सिटी में बारिश के बाद सड़क धस गई है। जी हाँ, नाम तो स्मार्ट सिटी लेकिन बारिश के बाद यहां सड़कों का क्या हाल है, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पौश इलाके शेला बताया जा रहा है, जहां सड़क धस गई है। अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, देखिए अचानक से पूरी की पूरी सड़क, बीच में बड़ा सा गड्ढा, ये पौश इलाका शेला बताया जा रहा है, जहां सड़क धसने का ये जो वीडियो है अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। बारिश के बाद शहर के कई हिस्से पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहे हैं। पश्चिमी अहमदाबाद में बारिश के बाद सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे जो है बन गए हैं। शहर के VVIP इलाके माने जाने वाले बोपल में तमाम हिस्सों में बताया जा रहा है जगह जगह पानी जो है वो देखने को मिल रहा है, यानी जल भराव की स्थिति बनी हुई है। पानी भरने की वजह से कई अंडरपास बंद कर दिए गए हैं, सड़क के गड्ढों में कई वाहन फंसे हुए हैं जो खराब हो चुके हैं। मौसम विभाग ने हवाओं के साथ तेज बारिश की आशंका भी जताई है। देखिए कितना बड़ा गड्ढा बीच सड़क पर हो गया है, कोई गाड़ी वहां से गुजर रही होती तो जाहिर सी बात है अंदर जाती,
चलिए अब आपको अहमदाबाद के मेन रोड की तस्वीर दिखाएंगे। जी हाँ, आप देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या वाकई में ये मेन रोड है। ये जगह देखिए, हालात क्या है अहमदाबाद गुजरात की। ये तस्वीर, सड़कों पर मानो पानी का कब्जा है। ये एकदम मेन रोड बताई जा रही है, चहल पहल रहती थी लेकिन गाड़ियां यहाँ रेंगती हुई नजर आएंगी और आप दूर तक जहां तक देखेंगे आपको दरिया ही दरिया नजर आएगा। ये हालात है मेन रोड के। तो निचले इलाकों की सोचिए कि क्या हो रहा होगा। बारिश से हाल कितना बुरा है, पैदल जाने वालों के लिए तो आफत है ही है। गाड़ियां यहां आपको रेंगती हुई नजर आ रही हैं और कई जगह से खबरें ये भी आ रही हैं कि गाड़ियां इन्हीं पानी में जो है फंस गई हैं, बंद पड़ गई हैं, खराब हो गई हैं। देखिए जरा ट्रैफिक आप देख पाएंगे कि रेंगता हुआ ट्रैफिक यहाँ आपको दिख जाएगा। गाड़ियां जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई, लोग जो है वो धीरे धीरे जो पैदल यात्री है वो क्रॉस कर रहे हैं। और चलिए अहमदाबाद की ही तीन तस्वीर आपको दिखाते हैं, हालात वहां के जरा समझिए। ये रोड पर जलभराव आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर जरा देखिए, आपको ये मेन रोड नजर आएगी और गाड़ियों की रफ्तार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। पूरे चक्के डूबे हुए हैं आगे जाकर। पैदल यात्रियों की तो हालत क्या हो रही होगी वो समझिए। अचानक से ये पॉश इलाका है, ये देखिए अचानक से बीच सड़क इतना गड्ढा। अगर यहां से कोई गाड़ी उस वक्त गुजर रही होती तो उसकी हालत क्या होती वो समझिए। ये अचानक से सड़क धस गई है, वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, घरों में पानी घुस आया है। ये अहमदाबाद की तस्वीर देखिए। निचले इलाकों में खासकर हालात इस वक्त बहुत ही खराब बताए जा रहे हैं। लोगों के घरों में, दुकान में पानी घुस आया है और जगह जगह पता है गाड़ियां जो है वो फंसी हुई नजर आ रही हैं। लोग गाड़ियों को धक्का देते हुए भी देखे जा सकते हैं। गुजरात के गांधीनगर से बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बता दें। सड़क पर बने गड्ढे में फायर ब्रिगेड की गाड़ी फंस गई है। जी हाँ, बारिश के बाद जगह जगह सड़क पर गड्ढे बन गए हैं और इन बड़े बड़े गड्ढों में जो है गाड़ियां फंसती जा रही है। इस बार बताया जा रहा है फायर ब्रिगेड की गाड़ी ही फंस गई है। यहाँ पर देखिए ये कार आपको पूरी तरह से सड़क के अंदर समाई हुई नजर आएगी। सड़क पर बने गड्ढों में गाड़ियां फंस जा रही हैं, गाड़ियां अंदर धस जा रही हैं और ऐसी एक नहीं कई तस्वीरें सामने आई हैं जहां रोड साइड जो लोग गाड़ी खड़ी करते हैं उसके बाद पता चलता है कि वो सड़क ही धस गई और गाड़ी जो है वो सड़क के अंदर समा गई। ये हाल है। ये जरा आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह का निर्माण कार्य रहा होगा या बारिश कितनी ज़्यादा हो रही है कि बारिश के बाद जो सड़क के नीचे की मिट्टी जो है वो खिसक जा रही है, वो गीली इतनी हो जा रही है कि ऊपर से जो बनी सड़क है यानी लीपा पोती जो की गई है वो नीचे धस जा रही है। और ऐसे हादसे लगातार हो रहे हैं, ऐसी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, आपको सतर्क कर रहे हैं कि गाड़ी बॉस अगर आप कहीं पार्क करते हैं ना तो थोड़ा सोच समझ के पार्क कीजिए, कहीं ऐसी हालत ना हो आपकी गाड़ी की भी। अब हरिद्वार से एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहां भी देखिए कैसे गाड़ियों का रेस्क्यू किया गया है। नदी में कई गाड़ियां एक साथ बहती हुई नजर आई हैं और गाड़ियों को निकाला गया है। दो दिन पहले गंगा के तेज धार में कई गाड़ियां एक साथ बह गई। ये तस्वीरें कल भी हमने आपको दिखाई थी लेकिन रेस्क्यू की नहीं, गाड़ियों की बहती हुई तस्वीर, लेकिन उसके बाद इन गाड़ियों को निकाला गया है। तस्वीरें जो सामने आई हैं देखिए, एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाला, गंगा नदी से इन गाड़ियों को बाहर निकाला गया है। एक साथ हरिद्वार में कई गाड़ियां बहती हुई नजर आई थी, खिलौने की तरह गाड़ियां जो है बह रही थी गंगा की तेज धार में। बताया ये जा रहा है इसके पीछे की वजह कि यहां पर जहां अब गंगा नदी क्योंकि उफान पर है तो जहां से ये गंगा नदी रौद्र रूप लेकर बह रही है, दरअसल ये कोई पार्किंग एरिया नहीं था लेकिन जब पानी सूखा था या कम था गंगा नदी में तो यहाँ लोग गाड़ियों को पार्क कर दिया करते थे और यही वजह है कि जब पानी की तेज धार आई तो देखिए कैसे गाड़ियां बहने लगी। पानी में कई गाड़ियां एक साथ बहती हुई नजर आई थी हरिद्वार से, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। देखिए ये कल तस्वीर हमने आपको दिखाया था टाइम्स नाउ नवभारत पर, एक साथ कई गाड़ियां, एक दो तीन चार नहीं, चार पाँच छः सात गाड़ियां आप देखिए यहाँ बहती हुई नजर आ रही है। आपको लगेगा कोई खिलौने की गाड़ी है, किसी ने नदी में फेंक दिया है, लेकिन ये गाड़ी है जनाब। और उसके बाद जब ये तस्वीर बहुत वायरल हुई फिर देखिए एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाला और इन गाड़ियों को गंगा नदी से निकाला गया है। दो अलग अलग तस्वीर बताती हुई कि हालात क्या है, नदी नाले उफान पर हैं, रौद्र रूप में नदी नाले, और देखिए कैसे गाड़ियों को तिनके की तरह बहाकर ले जाती हुई गंगा नदी।
गुजरात के सूरत से अगली बड़ी खबर मिल रही है, जहां सड़क पर नाव चली है। सूरत के कच्छ तक बारिश से बुरा हाल बताया जा रहा है। सड़कें दरिया बन चुकी हैं, सोसाइटी में पानी भर आया है। बारिश का सितम झेल रहे सूरत और कच्छ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। रिपोर्ट जरा देखिए, हालात समझिए क्या। मौसम की पहली बारिश में गुजरात का हाल कुछ ऐसा ही है। आपके स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर सूरत के सिंगनपुर इलाके की है। मूसलाधार बारिश के बाद इलाके की हालत नदी जैसी हो गई। सड़क पर कई फीट पानी जमा हो गया, जिसके बाद दो युवक अपनी सोसाइटी की सड़क पर ही नाव चलाते हुए नजर आए। आपको गुजरात के किस किस शहर का हाल दिखाएं, अब आप कच्छ शहर को ही देख लीजिए। यहाँ की सड़कें तालाब की तरह नजर आ रही हैं। सड़क पर कई फीट तक पानी भर गया है। आप तस्वीरों को देखकर लोगों की परेशानियों का अंदाजा लगा सकते हैं। कई लोगों की तो गाड़ियां जल जमाव की वजह से बंद हो गई। लोग किसी तरह अपनी गाड़ी को जल जमाव से बाहर निकालते दिखे। अब आप इस ऑटो वाले को ही देखिए, बेचारे का ऑटो बंद हो गया है और वो बेबस होकर पानी के बीच खड़ा है। सूरत की सड़कें वेनिस को टक्कर दे रही थी। मौसम की पहली बारिश ने महानगर पालिका के तमाम दावों की पोल खोल दी। महानगर पालिका का प्री मानसून अभियान फेल नजर आया।